हरियाणा के वल्लभगढ़ विधानसभा प्रत्याशी ब्लॉक शर्मा के प्रचार डोर टू डोर वल्लभगढ़ विधानसभा में चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पराग शर्मा वल्लभगढ़ भाटिया अस्पताल के पास पहुंचकर लोगों से विनती करी कि इस बार वल्लभगढ़ में चेहरा बदलें ताकि बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ नया किया जाए। देखिए, अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये मेरा परिवार है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, हमारी मदद कर रही है, हमें समर्थन दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उससे लोग परेशान हैं। आज बदलाव की बयार है और बल्लभगढ़ तैयार है। मैं समझती हूँ कि जितनी भी समस्याएं पिछले 10 साल में रही हैं अब उनके खत्म होने का वक्त आ गया है। और जनता जानती है कि किसने कितना पैसा कमाया है। आज कुछ लोग गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई और कोई कहानी बना रहा है, लेकिन अब जनता कहानियां सुनने के मूड में नहीं है, बदलाव के मूड में है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाकर अपना विकास चाहती है। बहुत समझदार है जनता, परिवार है हमारा, ये लोग जानते हैं कौन ईमानदार है, किसके साथ खड़े होना है और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। स्कूल है, बच्चे क्या सीखेगा, यही तो सीखेगा बच्चा। जब बदतमीजी बोली जाएगी तो बच्चे क्या सीखेगा, जब टीचर ही ऐसे बोलते हैं, जो प्रिंसिपल है वहाँ का, वहाँ का प्रिंसिपल ही इतनी गंदी गाली बकता है, तो सुना नहीं जाता। अब बच्चे को डाल का परेशान तो होगी, अब उसका 2 साल कैसे कटे। तो मानते हैं आपके शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही, बिल्कुल नहीं मिल पा रही। जैसे बेटी हमारी बताती है तो मुझे बहुत शर्म सी लगती है, क्यों ज्ञान भारती स्कूल का यहाँ पे चार लोग, यहाँ पे बच्चों को बदतमीजी नहीं सिखाई गई थी, वहाँ पे इज्जत सिखाते हैं कि कैसे।